So students, welcome to MD Study. Today we are taking an interesting poetry, Aunt Jennifer's Tigers. This poem shows the man-dominated society in this world is कि हम पुरुष प्रधान देश है, पूरी दुनिया ही एक तरह से means women's have जो lowest rights, उनके बड़े कम अधिकार हैं and after marriage, शादी के बाद they have to be remain in the limits, in the boundaries. उन्हें जो सीमा के अंदर रहना पड़ता है शादी के बाद. Through this poem, इस कविता के द्वारा आंट जेनिफर जो है वो दिखाना चाह रही है वो मेंस की और मेंस के देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन दीज टू, कि इन दोनों में बहुत अंतर है. नाउ द स्टोरी बिगिंस. The poem, in this poem, the Aunt Jennifer Tigers, poem का नाम है, woman expresses her suppressed होता है परेशानी की जो feelings है उनको दिखा रही है through her art, एक कला के द्वारा. Actual में aunt इसने क्या है, he has made a tiger on the panel, उसने tiger बनाया एक panel पर, पर्दे पर, जिसको embroidered किया अपने needle से, अपने हाथों से, जैसे सुई से हम जो एम्बॉडेड मीन्स का कढ़ाई करते हैं कपड़े पर, तो उसने टाइगर बनाया. देयर इज़ अ ट्री आल्सो, एक पेड़ है. सम मैंस आर स्टैंडिंग अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, लेकिन वो जो टाइगर है ही इज़ नॉट अफ्रेडिंग टू दोज मैन. देखो जहाँ उसने मैंस को दिखाया वो समाज दिखाना चाह रही है, और टाइगर आदमी है, कि आदमी इतना जो है एक तरह से जो मैन डोमिनेटेड है, निकम्मा है, कि उसे समाज का भी कोई परवाह नहीं होती जब वो औरत को दबाता है. आंट जेनिफर इज़ द विक्टिम ऑफ द मेल डोमिनेटेड, दैट आई वॉज सेइंग द सेम. मैं यही आपको बता रहा था कि जो इसमें है, जो आंट जेनिफर एक शिकार हुई है ये बेचारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की. सी हैज़ नो वन टू टेल हर मेंटल एंड फिजिकल पेन, और ये ऐसी परेशान है कि अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था को किसी को बता भी नहीं पा सकती. सी मेक्स ए पिक्चर टू कन्वे हर डीप फीलिंग, और इस पिक्चर के द्वारा वो अपनी गहरी फीलिंग्स को दिखाना चाहती है. द स्पीकर डिस्क्राइब्स द टाइगर्स, स्पीकर इसमें जो टाइगर्स को डिस्क्राइब करता है, विच हर आंट प्रोड्यूस्ड ऑन द पैनल, जिसको उसने पैनल में इस पर्दे पर आंट ने ही बनाया था. दे आर सेंट इन द मोशन, वो गति में जाते हुए. दे आर मूविंग क्विकली बाई राइजिंग इन फ्रंट ऑफ लेग, फ्रंट लेग्स, आगे की शेर जो खड़ा हुआ है इस तरह से बनाया है जैसे कि ही इज जम्पिंग ओवर द विक्टिम और द लाइक द और द प्रे ऑफ हिज प्रे, कि वो अपने शिकार पर जैसे आगे पंजे जो खड़े कर लेता है, छलांग लगाता है इस तरह से. एंड जम्पिंग फॉरवर्ड ऑन द बैक लेग्स, और पीछे की पैरों पर उछल कर आगे जो है शिकार को दबोचता है. इन द ग्रीन जंगल में दे लुक फ्री, जैसे जंगल में जो शेर है वो बिल्कुल फ्री दिखता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती, ब्राइट रहता है, ब्रेव रहता है, फियरलेस दिखाया गया है इसे, एंड मैग्निफिसेंट, शानदार, बिना डर के. ऐसे ही आजकल मनुष्य जो मानव है मीन्स मेल है, जो पुरुष है, वो डरता नहीं है समाज से कोई गलत काम करने के लिए. देर आर मैन स्टिंग अंडर द ट्री, बहुत सारे आदमी जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बट द टाइगर्स डू नॉट मीन्स डू नॉट अफ्रेड, लेकिन फिर भी वो उनसे नहीं डर रहा. दे मूव ऑन देयर एंड स्मूथ जेनिफर्स, वो वहाँ से जो चले जाते हैं आदमी आराम से. जेनिफर फाइंड्स इट, ये से पाती है बड़े पैनिक, बड़े दर्दनाक. यस, जेनिफर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मेक, और उसे बड़ी मुश्किल होती है ये पाने में पिक्चर को, बाई यूजिंग द आइवरी नीडल. आइवरी नीडल आप जानते हो, पहले हाथी दांत, जैसे छोटा बच्चा होता है तो हाथी दांत इतना बड़ा नहीं होता, छोटे बच्चे के गले में जो हम छोटा सा एक हाथी का दांत सा लगा देते हैं, उससे वो उससे बुनाई करती है. सी इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, मतलब वो बेचारी पूरे दिन घर का काम करती रहती है, थक जाती है. आफ्टर सी गॉट मैरिड, जब से उसकी शादी हुई है, केवल उसका सारा जीवन केवल घर के ही बाउंड्रीज में, काम धाम में ही लगा रहता है. सी कैन नॉट गेट हर सेल्फ इन्वॉल्व इन द आर्टिस्टिक वर्क, मतलब उसने कभी कलात्मक कार्य नहीं किया है. एंड सी हैज़ टू डू इन इट इन हर लेजर टाइम, लेजर मीन्स जो सही जो आनंद लेने वाला है, खाली टाइम जो उसका होता है वो इसमें यही काम करती रहती है. इवन देन सी हैज़ टू बी श्योर, फिर भी वो हैज़ टू बी श्योर, उसे ये श्योर होना, निश्चित होना, वेदर हर हस्बैंड इज़ वॉचिंग हर और नॉट, मतलब कोई अच्छा काम भी करे,
काम भी या थोड़ा बैठ भी जाए, रेस्ट भी करे, तो उसे ये नहीं पक्का पता रहता कि यार उसका हस्बैंड 24 घंटे उस पर ओवरलुक रहता, देखता रहता कि व्हाट इट व्हाट सी इज़ डूइंग, उसकी एक एक एक्टिविटी को देखता, सो हर हैंड्स आर टेरिफाइड। इसलिए जब ये नेचुरल सी बात है, आप अपने माइंड से कोई काम करते हो सकता है अच्छा करे, लेकिन जब आप काम करते हो और दूसरा आदमी उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, 100% आपके हाथ कांपते हैं, क्योंकि आप जो एक डर महसूस करते हैं या ये फील करते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। देयर इज द सेम कंडीशन ऑफ एंट जेनिफर्स, सी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम फियर अंटिल सी डाइज। और बेचारी वो मर गई है, मींस नाउ सी इज़ नॉट अलाइव ऑन द अर्थ, लेकिन अभी भी वो डर उसकी के ऊपर बंधा हुआ है। सी विल बी डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, उस पर उस औरत पर अधिकार किया गया था उसके पति के द्वारा। सी विल डाई, वो मर जाएगी, बट हर आर्ट विल एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू मूव प्राउडली, मतलब लेकिन उसकी जो कला है ये गर्व तौर से हम जो इच्छा है उसकी जो एक्सप्रेस करती रहेगी, एंड फियरलेस लाइक द टाइगर सी हैज मेड, और बिना डर के रहेगी उसकी जो कला है जैसे कि टाइगर्स हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू लर्न, लाइक नाउ फर्स्ट, हाउ डू डेनिजंस एंड चिवलेरिक ऐड टू आवर जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। The next award is suggest to imagine massive weight. Means you have to mention these questions in your fair copy. बहुत अच्छी पोइट्री है। The next question, what are the ordeals and Jennifer surrounded? And the two more, what do you learn about Aunt Jennifer's fingers or readings the poem? Students, now I am repeating, you will have to learn these questions, mention them and them I am repeating in your fair copy, and please subscribe the channel. और जो अपने शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते होंगे उन सबको जो आपके साथ ही हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं और उनको ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि इट कैन हेल्प देम फॉर देयर जो फ्यूचर, भविष्य के लिए उनकी भी ये कुछ सहायता कर सकें। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।